के रंग और इंडिया के ढंग, इंडिया के किस्से और इंडिया की कहानियां लेकर फिर से एक बार आया है आपका अपना बेस्ट ऑफ शाबाश इंडिया। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज आपके सामने पेश होने वाले कुछ कलाकार कुदरत का करिश्मा है, तो कुछ कुदरत के नियमों को तोड़कर करिश्मा बन चुके हैं। जी हाँ, आज के हमारे सभी कारनामों को देखकर आपको एक शंका भी हो सकती है कि ये कलाकार इंसानी प्रजाति के है भी किसी और प्रजाति। दोस्तों, एक बात बताइए, इंसान अपने आप को सबसे ज्यादा मजबूर कब महसूस करता है? जब पीठ के बीचों बीच खुजली होती है और हाथ नहीं पहुंचता ना, तब इंसान को अपनी मजबूरी का एहसास होता है। लेकिन हमारे बालू कुमावत को ऐसी किसी भी मजबूरी का सामना नहीं करना पड़ता। वेलकम बालू जी, शाबाश इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत। बालू जी तैयार? तैयार है। आपका वक्त शुरू होता है अब। इस कार्यक्रम में प्रस्तुत होने वाले हर प्रयोग निपुण कलाकारों के खास देखरेख में किए जाते हैं। कृपया इन्हें घर पर दोहराने का प्रयत्न न करें, क्योंकि ऐसा करना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। लवली, क्या बात है, बहुत बढ़िया बालू जी, आपने तो दो मिनट से भी कम समय में इतना सब कुछ करके दिखा दिया। वेरी वेल डन, जोरदार तालियां बालू जी के लिए। बालू जी अपने हाथों को इस तरह से मोड़ते हैं यूं मानो रबर के बने हो, और ताकत इतनी जैसे कि रबर में लोहा मिला। इन्हें चेक किया तो पता चला हड्डियां तो हैं, लेकिन जब कारनामे देखे तो ऐसा लगता है हड्डियां नहीं है। बालू जी, आप तो कन्फ्यूजन दूर करने की जगह कन्फ्यूजन को बढ़ा रहे हो यार। लेकिन एक बात बताए, जो भी करते हो ना, कम माल करते हो। दोस्तों, ये है लचीला इंडिया, शाबाश इंडिया। इस बच्ची ने अब तक इससे ज्यादा मजेदार झूले का मजा नहीं उठाया होगा, और मैंने भी इससे पहले ऐसा झूला कभी नहीं देखा। भले ही हम मजाक के सुर में बातें कर रहे हो, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि बालू भाई साहब ने इस मकाम तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की। शाबाश इंडिया उनकी मेहनत और लगन को सलाम करता है। दोस्तों, आपने बैडमिंटन रैकेट तो देखा ही होगा, काफी छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि कभी कभी तो शटल कॉक बैडमिंटन पर लगता ही। अब मैं कहूं कि एक इंसान इस बैडमिंटन रैकेट के बीच से निकल सकता है, तो आप मेरी बात मानेंगे? ये देखिए, विजय कुमार, आपका शाबाश इंडिया पर हार्दिक स्वागत। थैंक यू। ये कहाँ से मोड़ा आपने? वहाँ से। चलिए ठीक है, तो ये मैं ये हाथ भी नहीं मिला सकता? आपको क्या लगता है, आप ही अपने आप को मोड़ सकते हैं? हम भी मोड़ सकते हैं, ये लीजिए। तो आइए देखते हैं विजय कुमार जी का ये अनोखा कर्तव्य। इस कार्यक्रम में प्रस्तुत होने वाले हर प्रयोग निपुण कलाकारों की खास देखरेख में किए जाते हैं। कृपया इन्हें घर पर दोहराने का प्रयत्न न करें, क्योंकि ऐसा करना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। विजय कुमार जी, इतना कुछ कर लिया, आई एम श्योर आपको बहुत प्यास लगी होगी, ठंडा है, थोड़ा बहुत ठंडा ले लीजिए। अच्छा, ये यहाँ पर रैकेट रखा हुआ है जिसमें नेट नहीं है, तो इसका भी कुछ करेंगे इसमें से?
रैकेट में से जिसमें से आपने अपनी पूरी बॉडी को गुजार दिया, इस रैकेट की विड्थ है सिर्फ 9.5 इंच, सिर्फ 9.5 इंच। वाकई विजय जी, आपको देखकर हमें यकीन हो गया है कि नामुमकिन कुछ भी नहीं, पैरों से बॉटल को उठाकर पीना, एक रैकेट से अपनी पूरी बॉडी को गुजार देना, बहुत खूब, जोरदार तालियां विजय जी के लिए, अमेजिंग। दोस्तों, विजय शर्मा जब अपने गांव में सड़कों पर निकलते हैं तो वहां के सांप शर्म के मारे अपने बिल में छिप जाते हैं। अरे भाई, विजय की फ्लेक्सिबिलिटी को देखकर सांपों को अपने ऊपर शर्म आती होगी। मैं तो मजाक कर रहा हूँ, लेकिन इतनी फ्लेक्सिबल बॉडी बनाने के लिए विजय को कितने पापड़ बेलने पड़े होंगे ये हम समझ सकते हैं। रबमैन विजय शर्मा को शाबाश इंडिया सलाम करता है। ये है लचीला इंडिया, शाबाश इंडिया। फिर से एक बार आपके अपने शो में आप सभी का स्वागत है। ये है बेस्ट ऑफ शाबाश इंडिया। दोस्तों, जब बेटा बड़ा होने लगता है तो पिता अपने अधूरे ख्वाब बेटे के जरिए पूरे करने की उम्मीद लगाने लगता है और बेटा अपना फर्ज समझकर उन ख्वाबों को पूरा करने की कोशिश में लग जाता है। ऐसे ही एक बाप बेटे आए थे शाबाश इंडिया के मंच। हाय ईश्वराज एंड वेलकम टू शाबाश इंडिया। थैंक यू। आप प्लेजर। आप हैं ईश्वराज जी के पिताजी गोपी जी और आप हैं इनके इंटरप्रेटर सतीश। तो हमने सुना है कि ईश्वराज की बॉडी बड़ी फ्लेक्सिबल है, इज दैट राइट? अब हम पूछना चाहेंगे कि आज ईश्वराज यहाँ पर क्या करके दिखाने वाले हमें। 17 इंच नीलम, 14 इंच अगलम, अंत बॉक्स को ले 5 निमिषम उकार रहा, काट इल्लाम उकार रहा। ये कह रहे हैं कि एक ग्लास का बॉक्स है जो 17 इंचेस हाइट में और विड्थ में 14 इंचेस है, तो उसमें ये खुद अंदर जाके बैठेंगे और ऊपर से ग्लास से बंद किया जाएगा। ऊपर ग्लास से बंद कर दिया, बंद कर दिया जाएगा। 17 इंच की लंबाई, लंबाई और 14 इंच की जो चौड़ाई है, चौड़ाई। इतने छोटे से बॉक्स में ईश्वराज अपने आप को संभालेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कि ईश्वराज जी अपने आप को किस तरह इतने छोटे से बक्से में संभाल लेते हैं। आप तैयार हैं? Are you ready? Ready. Okay. अब उनके पिताजी ने ऊपर से ग्लास रख दिया है और हम देखेंगे अब कि कितने वक्त तक ईश्वराज अंदर ग्लास में रह सकते हैं। इस कार्यक्रम में प्रस्तुत होने वाले सारे प्रयोग निपुण कलाकारों की खास देखरेख में किए जाते हैं। कृपया इन्हें घर पर दोहराने का प्रयत्न ना करें, क्योंकि ऐसा करना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। 1 मिनट हो चुका है। अपनी सांसों को इस तरह से रोकना बहुत मुश्किल काम। उनकी बॉडी में हमें छोटी सी मूवमेंट दिखाई दे रही है, हल्की हल्की मूवमेंट कर रहे हैं वो। तीन मिनट पूरे हो चुके हैं। 3 मिनट्स आर ओवर। 12 मिनट्स सिट। यू कैन सिट इनसाइड फॉर 12 मिनट्स, ऐसे इनके पिताजी का कहना है। कि हम देख सकते हैं उनकी हाथों में एक छोटी सी मूवमेंट है, कांस्टेंट मूवमेंट कर रहे हैं। अल्लास्तने उंडे। उनकी हल्की हल्की आवाज सुनाई दे रही हमें। लेदर गुटे नुसेस्तने नक्साल रमड़े। एंटरटेनमेंट है वो, मड़िया वॉच में टाइम देख रहे हैं। वो अंदर बैठे और अंदर ही अपनी वॉच में टाइम देख रहे हैं। उन्हें पता चल रहा है सर नु एंटरटेन क्वेश्चन चैप्टर से होना है। 7 मिनट में सिर्फ 10 सेकंड बाकी रह गए। साल रघुटी माँ, ओके ना? That's right, 7 मिनट। अपने अधूरे सपनों को अपने बच्चों की आंखों से देखता है।
अजीत स्वराज ने सिर्फ एक नामुमकिन कारनामा नहीं कर दिखाया बल्कि अपने पिता के अधूरे सपनों को हकीकत में बदल दिया। इसीलिए तो हम कहते हैं कि ये है इंडिया, शाबाश इंडिया। हमें गर्व है दोस्तों, गर्व है कि शाबाश इंडिया ना सिर्फ हैरत अंगेज कारनामों की दास्तां है बल्कि हमारे भारतवासियों के सपनों को सच करने का मंच भी है। जी शिवराज ने अपने पिता का सपना सच कर दिखाया तो निखिल दीक्षित ने ऐसा योगा किया कि जिसकी सांसें जहां अटकी थी वहीं अटक कर रह गई। आप भी लंबी सांस ले लीजिए क्योंकि निखिल के कारनामों को देखते वक्त हो सकता है कि आप सांस लेना ही भूल जाए। हाय निखिल। हाय। शाबाश इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको निखिल यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। हमने सुना है कि आपके बदन में हड्डियां नहीं है, क्या ये बात सही है? हाँ जी हड्डियां हैं, मैं एक बार टेस्ट कर लूँ। नहीं हड्डियां तो है, हड्डियां हैं और आप हैं। हेलो। थैंक यू। अविनाश थस। अविनाश जी निखिल का सर। अविनाश जी आप निखिल के सर हैं तो अविनाश जी हमें बताइए कि निखिल क्या करते हैं, क्या आज आप यहाँ पर क्या करने वाले हैं आज? निखिल न्यू नया टेक्निक्स आसन का वो आज दिखाएंगे। तो आज यहाँ पर अपना कारनामा दिखाने के लिए आप तैयार हैं? बिल्कुल। जोरदार तालियां निखिल के लिए। इस कार्यक्रम में प्रस्तुत होने वाले सारे प्रयोग निपुण कलाकारों की खास देखरेख में किए जाते हैं। कृपया इन्हें घर पर दोहराने का प्रयत्न ना करें क्योंकि ऐसा करना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। और कैसा लग रहा है आपको? आपके इस कारनामे को इन लोगों ने इतना सराहा, इतना प्यार किया, सारे लोग दंग रह गए, खड़े हो गए। बहुत अच्छा लगा। भारत ने इस दुनिया को बहुत सारे उपहार दिए लेकिन योग उनमें से सबसे ऊपर है। आज योग का डंका दुनिया भर में है, दुनिया को मजबूत और तंदुरुस्त बना रहा है हिंदुस्तान, दुनिया को पाठ पढ़ा रहा इंडिया, हमारा इंडिया, शाबाश इंडिया। जिस योग ने भारत को दुनिया के नक्शे पर एक अलग पहचान दिलाई उसी योग ने निखिल को हमारे दिलों में हमेशा के लिए जगह दिला। इससे आप भारत की योग परंपरा की ताकत को अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों सिर्फ योग ही नहीं, इस देश ने दुनिया को बहुत कुछ दिया और देता ही जा रहा है। हमें नाज है इस देश पर और देशवासियों पर। यह है हमारा इंडिया, शाबाश इंडिया। फिर दिल से स्वागत है आपके अपने शो में जिसे कहता है पूरा इंडिया बेस्ट ऑफ शाबाश इंडिया। दोस्तों आज एक से बढ़कर एक कलाकार अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के बेमिसाल कारनामे पेश कर रहे हैं। उन्हें देखकर मुझे ख्याल आया
कि अगर हर हिंदुस्तानी इतना ही फ्लेक्सिबल हो जाए तो जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी, ट्रेन में धक्का मुक्की कम हो जाएगी, एक ही इंसान ढेर सारे काम कर पाएगा। खैर, शारीरिक रूप से फ्लेक्सिबल होना तो काफ़ी मुश्किल है, लेकिन अगर मन से भी हम फ्लेक्सिबल हो जाए तो बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। कोशिश कीजिएगा, वैसे मन से फ्लेक्सिबल होना ज़्यादा मुश्किल नहीं, अगर कुछ मुश्किल है तो वो ये। अफजल, शाबाश इंडिया पे आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। और नया साल आपको बहुत 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 मुबारक फिर से। अफजल जी बताइए, क्या करते हैं आप? हम स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर में पढ़ता हूँ। और क्या करना चाहते हैं? हम तो गिनीज में रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। गिनीज में रिकॉर्ड करना चाहते हैं। हाँ, तो अफजल जी हम देखना चाहेंगे अब क्या आप ये ढोलक जो है अलग ढंग से कैसे बजाते हैं। देखते हैं और क्या करेंगे आप। और उल्टे हाथों से लिखूंगा मैं। उल्टे हाथों से लिखेंगे? शाबाश इंडिया लिखूंगा। सब कुछ उल्टा ही करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। इस कार्यक्रम में प्रस्तुत होने वाले हर प्रयोग निपुण कलाकारों की खास देखरेख में किए जाते हैं। कृपया इन्हें घर पर दोहराने का प्रयत्न न करें, क्योंकि ऐसा करना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अभी उल्टे हाथों से इस पकड़ से मोबाइल निकालूंगा। उल्टे? अच्छा, बहुत बढ़िया। अब अंदाजा लगा सकते हैं हम क्या करेंगे, दिखाइए। दोस्तों, कहते हैं कामयाबी पाने के लिए हमेशा सीधी राह पे चलना चाहिए, लेकिन अफजल को देखकर तो लगता है कि अगर हर काम आप उल्टा करें तो इंसान कामयाब हो सकता है। फिर भी सोच सीधी होनी चाहिए, वरना आप अपनी मंजिल से फिसल सकते हैं। दोस्तों, ये है हमारा अलबेला इंडिया, शाबाश इंडिया। दोस्तों, मैंने ठीक कहा था ना, बड़े से बड़ा उस्ताद भी इस तरह ढोलक नहीं बजा सकता। अरे उस्ताद क्या, शायद कोई भी नहीं बजा सकता। इसे ही तो कहते हैं नामुमकिन को मुमकिन कर देना। हम सलाम करते हैं इन कलाकारों की मेहनत और उनकी सोच को। यह है अलबेला इंडिया, शाबाश इंडिया। दोस्तों, शाबाश इंडिया बहुत जल्द सजने जा रहा है भारत के बच्चों के हैरत अंगेज कारनामों से। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे में शाबाश इंडिया के मंच तक पहुंचने की प्रतिभा है तो हमें जरूर बताइए। शाबाश इंडिया के दरवाजे हर प्रतिभाशाली बच्चे के लिए हमेशा खुले हैं। हमें इस पते पर लिखिएगा। हमारा पता है शाबाश इंडिया, जी टीवी, पोस्ट बॉक्स नंबर 1, अंधेरी ईस्ट, मुंबई 400099, इंडिया टीवीसी। आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 022-2854-7734 या फिर 2854-7735, या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा पता है response@zeenetwork.com। अगले एपिसोड में फिर लेकर आएंगे अलबेले हिंदुस्तानियों के ढेर अलबेले रंग। इनका हर रंग कहता है कि नामुमकिन कुछ भी नहीं, यह है इंडिया, शाबाश इंडिया।
से चले शाबाश।